मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेस स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के संपूर्ण आपकी जो पूरी बुक है, उस पूरी बुक के 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चन मानिए या फिर आप टॉपिक समझिए, 45 सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि हर एक टॉपिक इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 देना है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, और आपका भी सपना है कि सर हमें भी बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाना है, वो आप 91, 92, 97, 98, 99 जितने भी लेना चाहें, उतने अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको 50 या 45 जो हम टॉपिक आपको बताएंगे, इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से समझ लेना है। और समझने के साथ साथ आपको इन सभी टॉपिक को बोर्ड एग्जाम 2024 देने से पहले आपको तैयार भी कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो हर एक टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको वो जो भी 45 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे बच्चों, एक हमारा बोर्ड एग्जाम में टॉपिक आता है मोलरता हो गया, मोलरता हो गया और नॉर्मलता हो गया, तीन टॉपिक होते हैं, सॉरी बच्चों चार, मोल प्रभाज या फिर मोलर्स, ठीक है। इन पर क्या होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हमसे टिप्पणियां पूछ ली जाती हैं, यानी कि मोलरता पर टिप्पणी कीजिए, मोलरता पर टिप्पणी कीजिए, नॉर्मलता पर टिप्पणी करिए, मोल प्रभाज या फिर मोलर्स पर टिप्पणी करिएगा। साथ साथ अगर आपको इन पर टिप्पणी याद है, इनके आपको फार्मूलेज याद हैं, फार्मूले जाने याद होने के बाद आपको क्या है, ये दो तीन जो चार चैप्टर जो आपके चार टॉपिक हैं, ये बच्चों आपका जो बिलियन चैप्टर है सोल्यूशन नामक उसके हैं, इन पर आपको इनके टॉपिक साथ साथ टिप्पणियों के साथ साथ आपको इन सभी टॉपिक्स पर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी फंसेंगे। क्या बच्चों, जिनको हम हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हैं। अब अगर हमें ये टॉपिक सारे तैयार हैं हमारे, तो हम न्यूमेरिकल भी यहीं से आसानी से बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, चारों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों हेनरी का नियम। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे, मैं आपको सॉल्व भी करा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा हेनरी का नियम कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आता है राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम आता है कि राउल्ट के नियम को समझाइए, राउल्ट का नियम कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर नहीं लागू होता है, इसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है परासरण क्या होता है, फिर परासरण दाब क्या है। देखिए, परासरण और परासरण दाब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परासरण क्या है, क्रिया है। परासरण दाब क्या है, देखिए जो परासरण होता है बच्चों एक क्रिया होती है, और परासरण दाब क्या होता है, जो क्रिया है इसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा उसे हम परासरण दाब कहेंगे, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो परासरण की क्रिया आपको पता होना चाहिए होता क्या है, इसीलिए आपको बर्कले हेडविटले विद्या किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बच्चों, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं, इसी वजह से खांसी आ जाती, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों हिमांक में अवनमन। देखिए, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हिमांक में अवनमन हो गया, विशिष्ट विद्युत अन अपघट होता है, देखिए विद्युत अन अपघट हो गया और विशिष्ट चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता जो है, इन पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ इन पर बच्चों आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला बच्चों हमारा 12वां टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। आपको इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए और अच्छे से आपको इलेक्ट्रोड विभव को तैयार करना है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या क्या गुण हैं, कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन किसको मेन मानते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मेन जो है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसी को मानकर हम सारे काम करते हैं। अगला बच्चों मोलर चालकता क्या होती है और सेल क्या होती है, ठीक है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा शून्य कोटि, देखिए सेल के बारे में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो सेल आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मोलर चालकता आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जिसको लेमडा एम से हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा शून्य कोटि, आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि, देखिए प्रथम कोटि हो गए और शून्य कोटि यानी कि अर्धायुकाल, ठीक है, अर्धायुकाल, इन टॉपिक्स पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी मिलते हैं। जो हमारा रासायनिक वर्गत के चैप्टर है उसमें क्या होता है, इन चैप्टर्स जो ये टॉपिक्स हैं इन पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों आणविकता तथा कोटि में अंतर। अब बच्चों आणविकता और कोटि में अंतर बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला है बच्चों संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपको संक्रमण तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, और फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
देखिए बच्चों अगला हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। देखिए 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, आपको लेंथेनाइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, एक्टिनाइड्स के बारे में भी, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइड्स पर टिप्पणी कीजिए, एक्टिनाइड्स पर टिप्पणी कीजिए। आता है कभी कभी लेंथेनाइड्स में कुल कितने तत्व हैं, एक्टिनाइड में कुल कितने तत्व हैं, ठीक है। तो ये आते हैं, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Ca2O7 और KMnO4, इनका आपको निर्माण अच्छे से पता होना चाहिए, इसका सचित्र बना आपको पढ़ लेना, ठीक है। आपको लिगेंड के बारे में पढ़ लेना और संकर आयन, देखिए लिगेंड क्या होते हैं, संकर आयन क्या होते हैं, उपसा संयोजन संख्या क्या होती है, इन पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा अगला बच्चा होता है आयनन तथा हाइड्राइड समावयवता। देखिए आयनन समावयवता और हाइड्राइड समावयवता, इन दोनों पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला बच्चों है फिनॉल यानी कि जिसका सूत्र होता है C6H5OH, बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO होता है, रिंग के अंदर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको पता होंगे, ठीक है। अगला बच्चों है एसीटोन, एसीटीन नहीं होता है बच्चों, एसीटोन होता है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COCH3। अब एसीटोन हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजाल्डिहाइड हो गया, आपको क्या करना है, इन तीनों का प्रयोगशाला विधि अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 प्रयोगशाला समीकरण, उनका सचित्र वर्णन 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अगला बच्चों है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यानी कि साइनाइड को CN लिखते हैं, आइसोसाइनाइड को NC लिखते हैं, आपको इनके बारे में पढ़ लेना, क्या होते हैं साइनाइड्स, क्या होते हैं आइसोसाइनाइड्स, ठीक है। अगला बच्चों है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जो पेप्टाइड बंद होते हैं वो क्या होते हैं, आपको कोडोन क्या होते हैं, आपको कोडोन के बारे में पढ़ लेना है, आपको DNA का सचित्र वर्णन पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री में भी आता है और एक क्वेश्चन जो है बायो में भी आता है, ठीक है। अगला बच्चों संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबद्ध सिद्धांत भी ये टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है IUPAC, आपको ऑर्गेनिक के भी पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक के भी पढ़ने हैं। बच्चों IUPAC ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, मैंने आपको कुछ बहुत सारे IUPAC पढ़ाए हैं, आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ से IUPAC पढ़ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े, ठीक। अगला बच्चों है सेटजफ का नियम, देखिए बच्चों कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सेटजफ का नियम हो गया और मार्कोनी काफ का दोनों नियम आ जाते हैं, एक मार्कोनी काफ का नियम होता है, ठीक है। सेटजफ और मार्कोनी काफ दोनों नियम आपको पढ़कर जाना है, साथ साथ आपको क्लोरोफार्म यानी कि जिसका सूत्र होता है CHCl3, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, आपको सचित्र वर्णन इसका क्लोरोफार्म का पढ़ना जाना है, क्योंकि इन सभी टॉपिक में क्लोरोफार्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे आपका फिनोल हो, बेंजाल्डिहाइड हो, क्लोरोफार्म और एसीटोन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है और H2SO4 भी पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, H2SO4, मैंने आपको बढ़ाया है, H2SO4 के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अल्कोहल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हेलोएरिन और वो हेलोएरिन के बारे में और हेलोएल्केन के बारे में अच्छे से आपको पढ़कर जाना है, क्या होते हैं 1 डिग्री 2 यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन भी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ना है, इसके साथ साथ जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उनको पढ़ना है, क्या होता है जब आपको कई सारी रिएक्शंस आती हैं बोर्ड एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे, IUPAC नामकरण आपको पढ़ लेना है और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ लेने हैं। बच्चों इधर जो आपके 5 टॉपिक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, नामकरण, IUPAC नामकरण और न्यूमेरिकल्स, ये क्या होते हैं टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं, हर साल नेम रिएक्शंस आती हैं, हर साल क्या होता है जब ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो आती हैं, कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शंस आती हैं, IUPAC नाम हर साल आते हैं, आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी हर साल दिखेंगे। अब देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल में आपको 2 से 3 चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना है, इन 2-3 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो न्यूमेरिकल का आपका पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका बिलियन वाला चैप्टर एक है, बिलियन, जिससे सबसे अधिक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक आपका रासायनिक बलगतिकी हो गया, एक विद्युत रसायन हो गया, इन 3 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल फंस जाएंगे, तो न्यूमेरिकल में आपको कोई 10-20-15 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं और इन 3 ही चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी फंस जाएंगे। बात आती है कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, इन सारे पर आपके वीडियो मिल रहे हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हम उसका सलूशन वीडियो और जवाब आपको 100% प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।